many people have got stones in their gallbladder. Gallbladder माने की पित्त की थैली, और बहुत सारे लोगों को उसमें stones मिलते हैं. तो ऐसे ही जयपुर से मिस सरिता ने सवाल पूछा है कि क्या gallbladder में पथरी होने का इलाज कराना ज़रूरी है, और उसका क्या इलाज हो सकता है, क्या इसका दवाई से इलाज हो सकता है या इसका एक ऑपरेशन ही इलाज है. बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. ये बात सही है कि gallbladder के अंदर स्टोन काफ़ी कॉमन तरीके संख्या में पाया जाता है, और स्पेशली नॉर्थ इंडिया में. साउथ इंडिया में कम लोगों में ये पाया जाता है. गॉल ब्लैडर एक थैलीनुमा स्ट्रक्चर है जो लिवर और बाइल डक्स के बीच में होता है, और इसका मेन पर्पस है बाइल को स्टोर करना. ज़्यादातर मरीजों में ये स्टोन्स कोई तकलीफ नहीं दे रहे होते, मतलब उनकी वजह से मरीज़ को कोई सिम्टम नहीं आते, चाहे तो वो दर्द, बुखार, कुछ भी इस तरह की प्रॉब्लम नहीं होती. और उनको पता तब चलता है जब वो किसी और कारण से पेट का अल्ट्रासाउंड कराते हैं. फॉर एग्जांपल, किसी को पेट दर्द हुआ कहीं भी, और उसने टेस्ट कराया अल्ट्रासाउंड, उसमें निकल आया, या हेल्थ चेकअप में अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन कराया, उसमें स्टोन्स निकल आए, या फिर कई बार प्रेगनेंसी में मल्टीपल टाइम्स अल्ट्रासाउंड कराना होता है तो गॉलब्लैडर स्टोन्स पता चल जाते हैं. जो ये सेगमेंट है इसमें किसी तरह की कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है आज के साइंस के हिसाब से, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ दीज पेशेंट डज नॉट डेवलप एनी प्रॉब्लम्स बिकॉज ऑफ स्टोन्स. अब एक दूसरा सेगमेंट है पेशेंट्स का जिसमें गॉलब्लैडर स्टोन्स है लेकिन उसकी वजह से मरीज को दिक्कत भी है. क्या दिक्कत है? सबसे कॉमन पेट के ऊपरी हिस्से में और राइट साइड में दर्द होना बार बार. अब ये दर्द वॉमिटिंग के साथ भी हो सकता है, ये दर्द पीठ में भी जा सकता है, राइट साइड के कंधे पर भी जा सकता है. इन मरीजों को बिल्कुल भी ये बीमारी इग्नोर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि गॉलब्लैडर की पथरी अगर तकलीफ नहीं दे रही है तब तो बहुत मामूली है, लेकिन अगर तकलीफ देने लग गई है तो ये कोई भी लाइफ थ्रेटनिंग यानी जानलेवा कॉम्प्लिकेशन पैदा कर सकती है. अब वो कौन कौन सी जानलेवा कॉम्प्लिकेशंस है? स्टोन गॉलब्लैडर से स्लिप होके कॉमन बाइल डक्ट यानी कि पित्त की नली में आ जाता है और उससे जॉन्डिस करता है. दूसरा, वो नली से सरक के जब इंटेस्टिन में आता है तो पैनक्रियाटाइटिस नाम के घातक कॉम्प्लिकेशन पैदा करता है. दूसरा होता है गॉलब्लैडर के अंदर पस फॉर्मेशन, जिसको कॉलिसिस्टाइटिस बोलते हैं, जो अगर लंबे समय तक हम उसका ध्यान ना दें या फिर स्पेशली डायबिटीज़ वाले मरीजों में गॉलब्लैडर को सड़ा के गैंग्रीन पैदा कर सकता है और गॉलब्लैडर का रप्चर भी कर सकता है. इन सब चीज़ों को अगर टाइम पे इलाज ना करें तो सेप्टिसीमिया और लाइफ का रिस्क है. बहुत लंबे समय तक लार्ज स्टोन अगर गॉलब्लैडर में रहे तो ऐसा अंदेशा है साइंस का कि वो शायद कैंसर भी पैदा कर सकता है. तो इसीलिए अगर गॉलब्लैडर में स्टोन्स हैं और आपको वो दिक्कत दे रहे हैं, कोई ना कोई सिम्टम पैदा कर रहे हैं, तो आपको तुरंत इसका इलाज कराना चाहिए. अब बात आती है कि इसका इलाज किस तरीके से हो. क्या इसका दवाइयों से कोई इलाज है? दवाइयों से इसका बिल्कुल भी इलाज नहीं है. आज की मेडिकल साइंस में कोई मेडिसिन ऐसी नहीं है जो गॉलब्लैडर के स्टोन्स को डिसॉल्व कर दे. तो इसलिए फ्रेंड्स, इसका एक ही ट्रीटमेंट है, और वो है इसका ऑपरेशन द्वारा गॉलब्लैडर को निकालना, जो कि आज की तारीख में दूरबीन द्वारा होता है बहुत ही सक्सेसफुली. इस ऑपरेशन का रिस्क बहुत ही मिनिमल है, दैट इज़ 0.2%. लेकिन अगर इसको हमने नहीं निकाला तो इसका रिस्क कई गुना ज़्यादा है. अब एक और सवाल बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि हमारे स्टोन का साइज़ तो बहुत छोटा है, तो सिर्फ 2 मिलीमीटर 3 मिलीमीटर, इसमें इस ऑपरेशन की क्या ज़रूरत है? तो फ्रेंड्स, आप बिल्कुल किडनी स्टोन्स और गॉलब्लैडर स्टोन्स को बिल्कुल कन्फ्यूज़ मत करिए. किडनी स्टोन जो होते हैं या यूरेटर के स्टोन जो होते हैं, उनमें साइज़ एक इम्पॉर्टेंट डिसाइडिंग फैक्टर होता है जो ये बताता है कि हमें इसको निकालना है कि नहीं निकालना. लेकिन गॉलब्लैडर के स्टोन्स में साइज़ इम्पॉर्टेंस नहीं रखता, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो. अगर वो दिक्कत दे रहा है तो उसे हमें ऑपरेशन करके निकालना ही है, चाहे वो कितना ही छोटे साइज़ का क्यों ना हो. सो प्लीज़ डोंट इग्नोर योर सिम्टम्स इफ़ दे आर बिकॉज ऑफ गॉलब्लैडर स्टोन्स. Get gallbladder removed by a procedure called laparoscopic cholecystectomy. Nowadays, we are also doing it a single incision, that means scarless surgery through the umbilicus. मतलब नाभि के थ्रू छेद करके हम इस ऑपरेशन को कर सकते हैं सक्सेसफुली. रेगुलरली हम लोग करते हैं जिससे बॉडी पे कोई निशान भी नहीं आता. So, it's a disease which if is not causing any symptoms, is not to be worried about. But if it is symptomatic, it can become life-threatening. So please, in that case, do not ignore that.